याद रफ्तगा खोए हुए गए हुए मरे हुए कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अपनी बहन के बारे में कुछ कहना आसान भी है और मुश्किल भी। जो लोग अच्छे लगते हैं उनकी तारीफ कर देना दुनिया का सबसे आसान काम है। और बजिया को तो सभी अच्छा और अपना समझते थे। अहमद शाह साहब को बजिया पर बात करने के लिए किसी ऐसे शख्स को बुलाना चाहिए था जिसको कोई ना जानता हो और सिर्फ वो बजिया को जानता हो। हम 10 भाई बहनों में बजिया सबसे बड़ी थी, एक कदावर शख्सियत, मगर कद में हम सबसे छोटी थी। किताबों की दीवारों के दरमियान आँख खोली। नाना जो दाग दहलवी के शागिर्द थे उन्होंने बजिया के हाथ में झुंझुने के बजाय कलम थमा दिया और फिर आखिरी दिन तक उस कलम ने बजिया का साथ नहीं छोड़ा। 13 बरस की उम्र में एक नावल लिख दिया मुस्लिम समाज। 17 बरस की उम्र में शादी हो गई। जब मिजाज न मिलते हों तो शादी को फौरन ख़त्म हो जाना चाहिए। बजिया ने खुद फैसला किया बदमिजाज शादी को तूल नहीं देना चाहिए। 19 बरस की उम्र में बजिया हम लोगों के दरमियान फिर आ गई और आज तक हम सब के पास हैं। शक्ल बहुत अच्छी थी, आवाज़ बहुत अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी। कई लोगों के पैगाम आए मगर बजिया ने कहा दोबारा इतने अच्छे घर से नहीं जाऊंगी। 42 बरस की उम्र में वाले साहब का इंतकाल हो गया। वो सिर्फ 10 भाई बहन छोड़कर चले गए और सारा बोझ बजिया के कंधों पर डाल गए। अम्मी और बजिया की उम्र में 15 बरस का फ़र्क था। बजिया ने घर वापस आकर सिर्फ सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे और वालिद के इंतकाल के बाद अम्मी ने भी सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दिए। दोनों सफ़ेद साड़ियाँ और सफ़ेद ब्लाउज पहनती थीं और फिर दोनों के बालों ने भी उनके कपड़ों का रंग चुरा लिया और सफ़ेद हो गए। मैंने कई मरतबा बजिया से कहा बाल काले कर लें, नहीं मानी। एक दिन कहने लगी स्याह रंग दुख की निशानी है और अनवर मुझे किसी बात का दुख नहीं है। स्कूलों में तालियां बजाएं तो अनवर भाई बिल्कुल नहीं डांटेंगे, तो अभी बजा के बताएं किस तरह बजाते हैं तालियां। स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया और घर में आमदनी का सिलसिला शुरू हुआ। तस्वीरें बहुत अच्छी बनाती थीं, कढ़ाई का शौक़ था। जहरा पर ने शायरी शुरू कर दी थी। अहमद भाई को पढ़ने का शौक़ था। बजिया की तनख्वाह इतनी थी कि सिर्फ अहमद भाई पढ़ सकते थे। वो सरकारी अफसर बन गए, ख़ानदान के सबसे काबिल आदमी। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उनके साथ पलंग पर दीवान हाफिज था। बजिया ने रेडियो के लिए भी लिखा और टेलीविज़न के लिए भी। बजिया की अपनी ज़िंदगी में एक रखरखाव और सलीका था और वही उनकी तहरीरों में भी आया। अंदाज़े बयान में जो नफासत और शगुफ्तगी थी वो आखिरी वक्त तक कायम रही। ज़मीन पर बैठकर लिखती थीं और लिखकर सबसे पहले पाशी को सुनाती थीं। हम लोग अपनी वालदा को पाशी कहते थे। पाशी और बजिया का रिश्ता माँ बेटी के बजाय दोस्ती में तब्दील हो गया। दोनों के शौक़ एक से थे, लिखना पढ़ना और अपने आंगन में लगे हुए पौधों की देखभाल करना। हर आने वाले को देख के खुश हो जाना और उसके जाने के बाद एक दूसरे से पूछना ये कौन थे। पाकिस्तान में जब टेलीविज़न की नशियात शुरू हुई उस वक्त अल्ताफ़ गौहर साहब टेलीविज़न के सरबरा थे, मेरे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त। उन्होंने बजिया को इस्लामाबाद बुला लिया और इस्लामाबाद में बजिया जहरा पा माजिद भाई घर रहने लगीं। टेलीविज़न के लिए लिखना शुरू कर दिया और आख ये प्रोग्राम उर्दू के मशहूर अफसानों पर था। बजिया ने इन कहानियों पर ड्रामे लिखे और फिर टेलीविज़न के लिए लिखती गईं। मेरे ख्याल में जितना बजिया ने टेलीविज़न के लिए लिखा उतना सारे लिखने वालों ने मिलकर नहीं लिखा होगा। पाशी के इंतकाल के बाद बजिया अधूरी रह गई थी। मेहमानों की जगह बजिया को बीमारी ने आन घेरा।
फिर भी मुख्तलिफ लोगों का भजिया के यहाँ आना जाना बंद नहीं हुआ, अकेली रहती थी। हम सब ने कई मरतबा कहा भजिया आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, हमारे घर आ जाएं। अरे कैसे आऊँ, तुम लोग अपने घरों के दरवाज़े बंद कर देते हो, मेरे घर का दरवाज़ा खुला रहता है। भजिया का अपना कोई घर नहीं था, मेरे भांजे के घर में रहती थी, मगर वो बेगम मजीद मलिक के स्कूल की इमारत, पाकिस्तान टेलीविज़न की इमारत, आर्ट्स काउंसिल की इमारत और जापानी सिफारतखाने की इमारत को अपना घर समझती थी। इन चारों इमारतों के लिए भजिया ने बहुत काम किया। हम लोग बहुत समझाते थे कि आप घर पर रहा करें, तो कहती थी अकेलेपन से छुटकारा हासिल करने के लिए मेरा मसरूफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। भजिया की अपनी कोई औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने हर इंसान को बेटी और बेटा कहना शुरू कर दिया। वो MF हुसैन को भी बेटा कहती थी, इंतज़ार हुसैन को भी बेटा कहती थी। एक दिन अर्धशेर काउजी भजिया के घर आए, भजिया ने उठकर अर्धशेर के सर पे हाथ रखा और कहा कैसे हो बेटे। अर्धशेर ने भजिया से कहा तुम साला एकदम पोप क्यों बन जाता है। हर एक के सर पर हाथ रखकर बोलता है बेटा, बोलता है हम तुमसे उम्र में बड़ा है। भजिया ने गुस्से से कहा अर्धशेर जबान सवाल के बात करो, तुमने मुझे साला क्यों कहा। मैंने भजिया को समझाया पारसी मोहब्बत और प्यार से साला कहते हैं, महाजरों के साले में और पारसियों के साले में बहुत फ़र्क है। हम भाई बहनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी में जो भी कदम उठाया, भजिया की सरपरस्ती और मोहब्बत हमको हासिल रही। बीमारी के बाद भजिया ने लिखना छोड़ दिया था। एक दिन मैं उनके घर गया तो खामोश बैठी थी। मैंने कहा भजिया आपने लिखना क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने मीर का एक शेर पढ़ा, क्या शौक़ की बातों की तहरीर हुई मुश्किल, थे जमा कलम कागज़ पर कुछ न लिखा जाता। सारा दिन सैकड़ों फूलों के गमलों को देखती रहती। जापानी पौधे एक तरफ रखे थे, फाटक की दोनों तरफ चमेली की बेल थी, 15-20 गमलों में मोतिया लगा हुआ था। भजिया के जाने के बाद मैं उनके घर गया, सारे फूल नाराज लगे, बेलें खामोश नजर आईं। जापानी पौधे वापस जाना चाहते थे, गुलाब के पौधों में सिर्फ कांटे नज़र आ रहे थे। मैं खामोश खड़ा रहा, क्या करता। एक ही कानून आलमगीर के हैं सब असर, बुए गुल का बाग से गुलचीन का दुनिया से सफर। भजिया के पास मोहब्बत थी, किताबें थीं और पौधे थे। किताबें गालिब लाइब्रेरी को दे गई, पौधे भाई बहन ले गए और मोहब्बत शहर वालों में तकसीम कर दी। शुक्रिया।